Good morning dear students. I welcome all of you in my maths class. Let's start over today's class. In this session I am going to teach you exercise 10 point two and ten point three and very very some very very important theorems and properties regarding circle. So let's start first of all I am going to discuss theorem number 10 point one equal cores of a circle substance equal angle at the center. Students are your first time टेंथ uh, चैप्टर के लेक्चर को वॉच कर रहे हैं तो वो प्रीवियस लेक्चर ज़रूर देखेंगे जो इससे पहले मैंने पोस्ट किया है क्योंकि उसमें मैंने सब कुछ डिस्कस किया आपके साथ वट इज़ को वट वट आर कॉन इक्वल सर्कल्स एंड रेडियस तो ये सारे जो इतने छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जो हम आज यूज़ करने वाले हैं तो इनके बारे में मैंने बहुत डीप एक्सप्लनेशन दी है इसके प्रीवियस वीडियोज़ में तो वो आपने ज़रूर देखना है अब हम डिस्कस कर रहे थे टेन पॉइंट वन थियोरम इक्वल कॉर्ड्स तो ऑफ ए सर्कल सब्सटेंड्स इक्वल एंगल एट सेंटर कॉर्ड एक ऐसी लाइन होती है जो सर्कल के टू पार्ट्स करती है तो अब हमारे पास एक सर्कल के अंदर दो इक्वल कॉर्ड्स हैं और हमें प्रूव करना है कि ये सेंटर पर एंगल इक्वल सब्सटेंड कर रही हैं तो हम क्या कर सकते हैं हम इन दोनों सर्कल बस इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूव कर देंगे हमारी थ्योरम प्रूव हो जाएगी ये रेडियस है ये रेडियस है एक सर्कल में जितने भी पॉइंट्स होंगे सबके सब सेंटर के साथ ज्वाइन करने पर रेडियस आएगा और सर्कल के लिए रेडियस सेम होता है तो ये इसके इक्वल हो जाएगा रेडियस और ये हमारे पास गिवन है ही तो बाय एस 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 कॉन्ग्रेंसी रूल ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे और अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएंगे हमने यही प्रूव करने हैं कि अगर कॉर्स इक्वल हैं तो वो सेंटर पर इक्वल एंगल सब्सटेंड कर रही हैं तो आपने सिर्फ इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट करना है तो आगे इसकी हमारे पास नेक्स्ट थ्योरम है टेन पॉइंट टू उसमें इक्वल एंगल दे रखे हैं तो हमें कॉर्ड्स इक्वल प्रूव करनी है वो इसी का कन्वर्स है इफ़ द एंगल सबस्टैंड बाय द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर इज इक्वल देन द कॉर्ड्स आर इक्वल अब इसके अंदर भी बिल्कुल आप ऐसे ही प्रूव करेंगे एक सर्कल लेंगे दो कॉर्ड्स लेंगे अब ये सेंटर पर इक्वल एंगल बना रही है अब ये एंगल इक्वल दे रखे आपको कॉर्ड्स की लेंथ इक्वल प्रूव करनी है तो सेम उसी तरीके से आप प्रूव करेंगे इसमें प्रॉपर्टी बदल जाएगी ये साइड एंगल आ जाएगा बीच में तो प्रॉपर्टी लग जाएगी एस ए एस ये आपका होमवर्क रहेगा ये आप होमवर्क कर कर सेंड करेंगे स्टूडेंट्स एंड बी रेगुलर विद योर होमवर्क जो लोग होमवर्क नहीं करते हैं वो लोग थोड़ा सा रेगुलर हो जाओ क्योंकि आपको होमवर्क में इन बिटवीन बोलती हूँ साथ साथ क्या क्या करना है तो वो आप ज़रूर किया करें नाउ कम टू द एक्सरसाइज टेन पॉइंट टू ये दोनों सम्स जो ये फर्स्ट समय ये फर्स्ट थ्योरम पर बेस्ड है आपका जो ये सम समय ये आपके सेकंड थ्योरम पर बेस्ड है hmm. हमारे पास हमारे पास गिवन है रिकॉल दैट टू सर्कल्स आर कॉन्वेंट आपको पता है कॉन्वेंट सर्कल्स क्या होते हैं कॉन्ग्रेंट सर्कल्स होते हैं जो हमारे पास जिनके रेडियस सेम होते हैं प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल सबस्टेंड्स इक्वल एंगल एट देंटर हमने ये प्रूव करना है कि कॉर्ज इक्वल हैं वो सेंटर पर इक्वल एंगल बना रही हैं हमें सेम इसी तरह से इसका प्रूव करना है बस इसमें ये डिफरेंस है कि इसमें एक सर्कल था अब हम दो डिफरेंट सर्कल्स बनाएंगे क्योंकि हमारे पास कॉन्ग्रेंट दे रखा है सर्कल्स तो सबसे पहले हम क्या करेंगे हम दो सर्कल्स ड्रॉ करेंगे इक्वल कॉन्ग्रेंट सर्कल्स वो होते हैं जिनके रेडियस सेम होते हैं तो मैंने आपको फर्स्ट इसके प्रीवियस लेक्चर में लिखना सिखाया हुआ है हाउ यू राइट अ सर्कल सी फोर सर्कल ओ फोर सेंटर एंड आर फोर रेडियस तो हमने दो कॉन्ग्रेंट सर्कल्स ले लिए इसका सेंटर ओ इसका सेंटर ओ डैश इसका रेडियस आर इसका रेडियस आर डैश अब ये दोनों सर्कल्स कॉन्ग्रेंट हैं तो दोनों के रेडियस इक्वल होंगे इस पॉइंट को आप अच्छी तरीके अपनी कमी टू मेमरी करेंगे ए, ये दो हमारे पास इक्वल कॉर्ड्स दे रखी हैं हमें प्रूव करना है कि इनके सेंट्रल एंगल्स आपस में इक्वल हैं तो सेम उसी तरीके से ये वाली साइड इसके इक्वल हो जाएगी रेडियस अब इसका रेडियस तो आर है और इसका रेडियस आर डैश है लेकिन ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हैं तो रेडियस इक्वल होगा इसी तरह से ये वाली साइड इसके इक्वल हो जाएगी ओ बी ओ डी के इक्वल हो जाएगी और ए बी सी डी के इक्वल तो गिवन ही है तो सेम वही रूल लग जाएगा बाय एस 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 कॉन्ग्रेंसी दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे और अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्वेंट हो जाएंगे तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इनके आपस में इक्वल हो जाएंगे और हमें यही प्रूफ करना है एंगल इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी नाउ मूव टू द थर्ड क्वेश्चन प्रूव दैट इफ कॉर्ड्स ऑफ ए कॉन्वेंट सर्कल सबस्टेंड्स इक्वल एंगल अब कॉर्ड सेंटर पर इक्वल एंगल बना रही है तो हमें प्रूव करना है कॉर्ड्स आर इक्वल तो सेम इसी तरीके से हम दो सर्कल्स ड्रॉ कॉन्ग्रेंट सर्कल्स ड्रॉ कर लेंगे हमारे पास अब एंगल्स इक्वल गिवन है एंगल वन किसके इक्वल दे रखा है एंगल टू के और हमें प्रूव करना है ए बी इक्वल है सी डी के सेम इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट करो ये भी रेडियस है ये भी रेडियस है इक्वल है क्योंकि कॉन्ग्रेंट है जो इसका रेडियस है वो इसके इक्वल है क्योंकि कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल और हमारे पास एंगल वन टू के इक्वल दे रखा है तो दो साइड्स और इंक्लूडिंग एंगल इक्वल है तो रूल लग जाएगा एस ए एस एस ए एस रूल से दोनों ट्राइंगल्स हमारे पास क्या हो जाएंगे कॉन्वरेंट हो जाएंगे और जब दो ट्राइंगल्स कॉन्वरेंट है तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो जाएगी सी पी सी टी तो ये दोनों थ्योरम्स दोनों सम बहुत इंपॉर्टेंट हैं स्टूडेंट्स और दोनों थ्योरम्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और बहुत ईजी हैं ज़्यादा मुश्किल नहीं है आप एक बार इसको आराम से करेंगे और इसमें सिर्फ कॉन्ग्रेंसी का रूल लगेंगे और इसमें कुछ भी नहीं लगेगा फर्स्ट सम के अंदर एस 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 लगेगा और सेकेंड क्वेश्चन के अंदर हमारे पास लगेगा रूल एस ए एस क्योंकि इसमें हम बात कर रहे थे किसकी बात कर रहे थे इसमें हम इसमें हम एंगल ले रहे हैं इंक्लूडिंग तो रूल लगेगा एस ए एस नाउ मूव टू द सम बेसिक कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग एक्सरसाइज टेन पॉइंट थ्री टेन पॉइंट थ्री थी देखते हैं द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू द कॉर्ड कॉर द कॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि अगर कोई सर्कल है सेंटर से परपेंडिकुलर डाला जाएगा तो वो कॉड को क्या करेगा बाइसेक्ट करेगा कोड के इक्वल पार्ट्स करेगा नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट थ्योरम 10.4 थ्योरम द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू बाइसेक्ट द कोड इज परपेंडिकुलर टू द सर्कल टू द कॉड कि अगर कोई सेंटर में से लाइन ड्रॉ की जाती है जो कोड को बाइसेकट करती है तो वो कॉड पर क्या होती है परपेंडिकुलर ये हमें प्रूव करना है यानी कि यह या नाइन्टी का एंगल तो बहुत आराम से प्रूव कर सकते हैं बस इन दो ट्राइंगल्स को इन दोनों को आपने ज्वाइन कर दिया और इन दो ट्राइंगल्स को आप कॉन्ग्रेंट कर दो ये भी रेडियस ये भी रेडियस ये दोनों में कॉमन हो जाएगा और हमारे पास ए एम किसके इक्वल है एम बी के क्योंकि वो बाइसेकट कर रही है तो कौन सा रूल लग जाएगा यहाँ पर हमारे पास रूल लग जाएगा ये देखो ये वाली चीज़ ये तीनों साइड्स आपस में इक्वल हैं तो रूल का नाम क्या लगेगा एस 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 यहाँ बाय बाय लिखा हुआ है ना तो यहाँ रेडियस आ जाएगा यहाँ रेडियस आ जाएगा और यहाँ रूल लग जाएगा बाय एस 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 कॉन्ग्रेंसी दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे तो ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हो जाएंगे यहाँ से एंगल वन और यहाँ से एंगल टू फिर आप क्या करेंगे यहाँ लीनियर पेयर बना लेंगे एंगल वन प्लस टू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा वन एटी वन की वन और टू आपस में इक्वल है तो किसी की भी वैल्यू पुट कर दे रहा तो वन एटी ट्वाइस एंगल इज इक्वल टू वन एटी एंगल वन कितना आ जाएगा नाइन्टी एंगल वन नाइन्टी है एंगल टू भी नाइन्टी है तो वो आपस में क्या प्रूव हो जाएगा परपेंडिकुलर प्रूव हो जाएगा सर्कल्स थ्रू थ्री पॉइंट्स कि थ्री पॉइंट्स में से हम सर्कल को किस तरीके से क्रॉस करा सकते हैं टेन पॉइंट फाइव इज ओनली वन एंड वन सर्कल पासिंग थ्रू थ्री पॉइंट थ्री गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कोई भी तीन पॉइंट है तीन पॉइंट में से केवल एक ही सर्कल पास कर सकता है नेक्स्ट नेक्स्ट कम टू गिवन एन आर्क ऑफ ए सर्कल कंप्लीट द सर्कल हमारे पास कोई एक आर्क दे रखी है और हमें सर्कल कंप्लीट करना है तो ये कैसे कर सकते हैं स्टूडेंट्स आप यहाँ देखेंगे हमारे पास कोई भी आर्क है हम इसे सर्कल कैसे कंप्लीट करेंगे उस आर्क पे हम कोई भी दो कॉर्ड्स बना लेंगे ये कॉर्ड्स बना ली और इनके बाईसेक्टर ड्रॉ कर दो इन कॉर्स के बाइसेक्टर जहां भी मीट करेंगे वहां सेंटर आ जाएगा सर्कल का और रेडियस लेकर इसको सर्कल को हम क्या कर सकते हैं कंप्लीट कर सकते हैं क्योंकि पीछे हमने थ्योरम पढ़ी है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ कोड मस्ट पास थ्रू सेंटर या सेंटर से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है वो कोड सेंटर से डाला हुआ परपेंडिकुलर कोड को क्या करता है बाइसेकट तो ये उसी प्रॉपर्टी से हमने फाइंड आउट की है नाउ कम टू एक्सरसाइज टेन पॉइंट थ्री ड्रॉ डिफरेंट पेयर ऑफ सर्कल्स हाउ मेनी पॉइंट डेयर है मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट तो आप पेयर ले लो सर्कल के देखो एक केस तो ये बनेगा कि वो कहीं टच नहीं कर रहे हैं तो नो पॉइंट कॉमन एक केस ऐसा बनेगा कि वो सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच कर रहे हैं तो आंसर वन और एक केस ये बनेगा कि वो दो पॉइंट पर कट कर रहे हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा मैक्सिमम टू पॉइंट्स नाउ कम टू द सेकेंड क्वेश्चन सपोज यू आर गिवन अ सर्कल गिव अ कंस्ट्रक्शन टू फाइंड इट सेंटर अब आपके पास एक सर्कल दे रखा है आपने सेम इसी तरह इस एग्जाम्पल की तरह बनाना है आपके पास एक सर्कल दे रखा है आपको उसको सेंटर लोकेट करना है तो मैंने अभी आपको सिखाया था कि पर जो कोर्ट का परपेंडिकुलर बाई सेक्टर होता है वो सेंटर में से क्रॉस करता है तो आप क्या करेंगे सबसे पहले एक सर्कल बनाएंगे आप सर्कल आप सर्कल तो बनाएंगे लेकिन सर्कल का सेंटर नहीं शो करेंगे क्यों नहीं शो करेंगे क्योंकि सर्कल का सेंटर आपको निकाल कर दी. तो उसके लिए अब आपको क्या करना है आपको सिंपल सा है कि आपको सिर्फ एक सर्कल ड्रॉ करना है और उसका कोई भी एक पार्ट ले लेना है मैं यहां आपको करके दिखा रही हूं आप यहाँ देखो जैसे मैंने ये सर्कल ले लिया मुझे इसका सेंटर मुझे इसका सेंटर नहीं पता अगर हम किसी बैंगल से कोई सर्कल लगाते हैं तो हमें उसका सेंटर नहीं पता होता तो हम सेंटर कैसे निकाल सकते हैं हम उसमें कोई भी दो कॉर्ड कैसे भी बना लेंगे और फिर उन कॉर्ड के बाइसेकटर्स ड्रॉ करेंगे साइड बाइसेक्टर आदि से ज़्यादा कंपस खोल कर यहाँ से भी करेंगे इसका भी करेंगे ये दोनों जहाँ मीट करेंगे वहाँ सर्कल का सेंटर आ जाएगा रेडियस लेकर हम एक क्या कंप्लीट कर लेंगे सर्कल कंप्लीट कर लेंगे एक बार आप टिप द्वारा देखेंगे हमारे पास एक सर्कल है हम कोई भी दो पॉइंट दो कॉर्स लेकर उनका क्या ड्रॉ करेंगे पर पेंडिकुलर बाई सेक्टर्स ये जहाँ भी मीट करेंगे वो सर्कल का क्या निकल जाएगा सेंटर निकल जाएगा नाउ मूव टू थर्ड क्वेश्चन विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इफ टू सर्कल्स इंटरसेक्ट इन टू पॉइंट्स दो सर्कल एक दूसरे को दो पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं प्रूव दैट दियर सेंटर लाई ऑन द प्रपेंडिकुलर बाई सेक्टर ऑफ द कॉमन कोड हमें प्रूव करना है कि जो उनका सेंटर है वो उनके परपेंडिकुलर बाई सेक्टर पर लाई करता है जो कॉमन कोड है तो अब इस क्वेश्चन को आप देखेंगे स्टूडेंट्स अच्छे तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सबसे पहले तो हम इसकी फ़िगर बना लेते हैं अब हम इसकी फ़िगर कैसे बना सकते हैं हमारे पास दे रखा है कि दो सर्कल्स किसको इंटरसेकट कर रहे हैं टू पॉइंट्स के ऊपर तो हमने सबसे पहले अपना एक सर्कल ड्रॉ कर ली दो सर्कल्स ड्रॉ करें ये इसको इंटरसेक्ट कर रहे हैं ए और बी पर तो ए हमारे पास कॉमन कॉर्ड हो गई हमें प्रूफ करना है कि जो सेंटर को लाइन जॉइन कर रही है वो उसको परपेंडिकुलर बाईसेक्टर कर रही है यानी कि हम इसका नाम मैं यहाँ पे एम रख लेती हूँ तो मुझे ए एम इज़ इक्वल टू एम बी भी प्रूव करना है और यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल प्रूव करना है गिवन में आ जाएगा टू सर्कल विथ सेंटर्स ओ एंड ओ डैश इंटरसेक्ट एट ए एंड बी ए बी इज अ कॉमन कोड लेट ओ ओ डैश इंटरसेकट ए बी एट एम ये दो सेंटर्स हैं और ये ए बी को एम पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं प्रूव करना है कि जो ओ ओ डैश है ओ ओ डैश इज़ अपेंडिकुलर बाई सेक्टर ऑफ ए बी अब क्या करेंगे बहुत सिंपल है सबसे पहले कंस्ट्रक्शन में इसके चारों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे स्टूडेंट अब सबसे पहले एक ऊपर वाला ट्राइंगल लेंगे और एक नीचे वाला ट्राइंगल लेंगे और इसे कॉन्ड्रेंट करेंगे कौन सा एक ये वाला ट्राइंगल और एक ये वाला ट्राइंगल ये रेडियस है ये भी रेडियस है सर्कल का ये सेकंड सर्कल का रेडियस है मान लो एस तो ये भी एस है तो दो दो साइड इक्वल होगी और ये सेंटर वाली कॉमन आ गई तो मैंने यही काम किया रेडियस रेडियस और ये सेंटर वाली कॉमन तो बाय एस 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 दोनों ट्राइंगल कॉन्ड्रेंट हो गए और अगर दो ट्राइंगल कॉन्वेंट है तो मैंने यहाँ से एंगल वन टू इक्वल ले लिया सी पी सी टी नेक्स्ट अब क्या करेंगे यहाँ करने के बाद स्टूडेंट्स अब ये हाफ ऑफ ट्राइंगल लेंगे सिर्फ आधा ऊपर वाला आधा नीचे वाला अब इसको कॉन्वेंट करो ये रेडियस ये रेडियस ये दोनों में कॉमन एंगल वन और टू के इक्वल प्रूफ कर दिया तो अब यहाँ रूल लग जाएगा एस ए एस दो साइड्स के बीच में एंगल आ गया जब ये हमारे पास दो ट्राइंगल कॉन्वेंट हो गए तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो जाएंगी पहला पार्ट तो यहीं से निकल जाएगा ए एम इज़ इक्वल टू एम बी सी पी सी टी और फिर हम एक एंगल ले लेंगे एंगल थ्री इज इक्वल टू फोर फिर यहाँ लीनियर पेयर बनाएंगे टेकिंग लीनियर पेयर एट थ्री एंड फोर तो लीनियर पेयर क्या होता है आपको पता है कि दोनों एंगल का सम वन एटी रहेगा फोर की जगह थ्री को पुट कर दो या थ्री की जगह फोर को पुट कर दो ट्वाइस आ जाएगा टू 180 वन एटी को टू से कट करेंगे तो नाइन्टी अब एंगल फोर भी नाइन्टी है थ्री भी नाइन्टी है तो ये क्या हो गया परपेंडिकुलर हो गया तो फ्रॉम वन एंड टू हमारे पास क्या बन जाएगा हैंस ओ ओ डैश इज द परपेंडिकुलर बाई सेक्टर ऑफ ए बी तो हमारे पास क्या हो जाएगा ओ ओ डैश हमारे पास क्या बन जाएगा परपेंडिकुलर बाई सेक्टर बन जाएगा ए बी का स्टूडेंट्स आप में से जो भी फर्स्ट टाइम आप चैनल को वॉच कर रहे हैं चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और इन वीडियोस को बहुत अच्छी तरीके से देखना क्योंकि स्पेशली सिर्फ आपके लिए बनाए जाते हैं ताकि आपको हर छोटे से छोटा पॉइंट भी समझ आ सके और जो आज फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं इसका प्रीवियस लेक्चर आप ज़रूर वॉच करेंगे थैंक्स हैव अ नाइस डे